नमस्कार आदाब दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ कलम आज तक। दोस्तों, राजस्थान के नगर विधानसभा क्षेत्र के इशनागा गांव में एक सद्दाम नाम के युवक की मृत्यु हो जाती है। अब किस कारण होती है, लोगों का क्या उसके बारे में कहना है, यहाँ पर लोगों में अभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। जिस तरीके से ये सद्दाम के साथ ये घटना घटी गई है, ये सारी जानकारी हम यहाँ के लोगों से लेंगे। आखिरकार सद्दाम की किस तरीके से ये डेड बॉडी मिली है और क्या इनका मानना है, किसने इसके साथ ये घटना घटाई है, ये सारी जानकारी हम इनके परिवार से लेंगे। और यहाँ पर सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सारी जानकारी और सच्चाई अभी यहाँ आपके सामने हाजिर करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अकरम खान। सद्दाम को क्या लग रहे हैं आप? मैं सद्दाम का चाचा लगता हूँ। अच्छा, सद्दाम किस हाल में मिला आप लोगों को? सद्दाम हमें सुबह पुलिस के द्वारा मालूम चला है कि उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है डीग रोड पर, पिल्लू की मंदिर के पास में। अच्छा, क्या क्या आपको ऐसा लगा कि उसकी बॉडी पर कि किसने मारा है, अपनी मौत मरा है? नहीं, उन्होंने रात करीब 10:45 हमें फ़ोन किया, वो गाड़ी चलाता है तो रात ही आया था। तो उन्होंने 10:45 फ़ोन किया कि मैं बस स्टैंड पर हूँ नगर। तो उनने उसको बोला भी था कि तुम्हें लेने आए, तो उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा। तो उनकी बड़ी सिस्टर हैं नगर में ही, तो हमने सोचा उनके पास चला गया। इसकी वजह से हमने कुछ ज़्यादा छानबीन भी नहीं की क्यों नहीं आया लेट को। तो सुबह हमें मालूम चलता पुलिस के द्वारा कि उनकी लाश पीलू की मंदिर के पास में डीग रोड पर मिली हुई। आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी, आम आदमी ने दी, किसी पुलिस कर्मचारियों ने दी? पुलिस के द्वारा ही मिली, हमारे सरपंच हैं ये, इनके ताऊ जी हैं दीनू, उनको फ़ोन किया गया था तो उन्होंने हमें दी। तो आपका क्या मानना, क्या कहना, किस तरीके से आप लोगों के किसी पर शक है? जी बिल्कुल, हमने जब उनको आकर मौके पर गए तो हमें वहाँ कुछ एक्सीडेंट जैसा लगा नहीं। तो हमने अपने स्तर पर जांच की, तो हमने कुछ एक दो जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज निकलवाई। तो हमें उन फुटेज में बस स्टैंड पर भी हमने फुटेज देखी। तो उसके बाद हमने लास्ट जो फुटेज थी वो विशाल टूर एंड ट्रेवल्स ऑफिस है एक डीग चुंगी पर, तो वहाँ हमें उन लगा कि वो कुछ घबराए हुए हैं और बस की ओट ले रहे हैं किसी से छुपने के लिए। तो उस बस के शीशे वगैरह भी टूटे हुए थे। अच्छा। तो हमें लगा कि हमें शक है, पूरा शक क्या यकीन, हमने अपने स्तर पर जांच की कि कुछ विशाल के विशाल के साथियों से उसका कुछ झगड़ा हुआ था। तो हमें पूरा यानी कि विशाल पर ही हुआ। कब झगड़ा हुआ था, कितना समय पहले झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं, पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ, उस रात की घटना में। अच्छा, विशाल के जो आप नाम बता रहे हैं, सद्दाम के साथ इसका कुछ झगड़ा हुआ? नहीं, पहले कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा, रात ही हमें अपने स्तर पर जब जाँच की तो पता चला कि वहाँ कोई चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ है और बस का शीशा भी तोड़ा हुआ है। जो सद्दाम वो पत्थर भी उठाता हुआ दिख रहा है अपने बचाव के लिए। तो हमें पूरा ये है कि विशाल और उसके साथियों ने उसकी मिलकर हत्या की है और उसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसको पीलू की मंदिर के पास उसको लाश को डाला गया है। ये थे सद्दाम के चचा, जिन्होंने आप लोगों के लिए सच्चाई बताई, किस तरीके से उनकी डेड बॉडी मिली है, किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि सद्दाम यहाँ पे है। तो अब हम गाँव के सरपंच साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार ये क्या कहते हैं। जी जी, किस तरीके से आप मानते हैं कि जो सद्दाम की डेड बॉडी मिली है, क्या कहना है आपका? ये कहना है जो इसमें मुलजिम है उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, जब शांति मिले हमको। तो किस हालत में आप लोगों ने ये डेड बॉडी मिली आप लोगों को वहाँ पे? डेड बॉडी कितनी उम्र बता रहे हैं इसकी, सद्दाम की? 26-27 साल। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। तो आप क्या मांगते हैं सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं कि आपने आवाज उठाते हैं वो बताइएगा। सरकार से ही मांगे हमारी तो कि न्याय मिले हमको। तो और पहले इनको मुलजिम बजा क्या, किस तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं कि अपने इंसाफ के लिए कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे सद्दाम के साथ सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। ये घटनाएं जब तक होती रहेंगी, जब तक आपके नुमाइंदों के अंदर कमजोरियां रहेंगी। बहुत सारी घटनाएं हो गई, आप किसी दलित के साथ ही घटना हो जाने दो, आप किसी पटेल गुजर के साथ हो जाने दो, आप किसी अन्य किसी और समाज के साथ हो जाने दो, आपके बाजारों में आग लग जाती, अब तक बाजार के चक्कर जाम हो जाता, बाजारों में स्थिति खराब हो जाती, रास्तों को रोक दिया जाता और डेड बॉडियों पर अभी टीकरी वाला नौजवान लड़का जो सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहा था उसकी डेड बॉडी को 5 मिनट में वहां से ले लिया। लेकिन इस मैटर में और उस मसले में जमीन और आसमान का अंतर है। इस लड़के को जिस तरीके से मारा गया है उसके लिए पुलिस हैंड टू हैंड उनको गिरफ्तार कर रही है और अभी पुलिस की गाड़ी वहां गई है और 100% जब तक हमारा पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक डेड बॉडी आपकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी, नहीं लेंगे हम जब तक हमारे अपराधियों को पुलिस यहां गिरफ्तार नहीं कर लेगी।